किसी दारुलूम से वाबस्ता भी हैं और यहाँ से फारिगुल तहसीन हैं, जितने साहबान इस अजीम यौम दरबार आलिया पे इकट्ठे हो गए हैं, आदमी मदरसे मुकद्दस बगदादी की तरफ से मैं तमाम हजरात को खुशामदीद कहता हूँ और आज के इस मुकद्दस दिन की निस्बत से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि कायनात में इस दिन से ज्यादा अहमियत वाला खिलाफत वाला ने और कोई दिन नहीं बनाया। अभी आपने कारी शकील साहब से सूरह सफ की आयात सुनी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी गई, एक मिशन स्टेटमेंट दी गई है कि उनकी तशरीफ आवरी का मकसद क्या था। चुनाचे पुराने पाक इरशाद फरमाता है, एक तो यह है कि वो बनी इसराइल सब के लिए खुदावंद ताला की तरफ से भेजे हुए रसूल, एक उनकी बेशक का मकसद यह बताया गया पुराने पाक। दूसरा यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताबे मुकद्दस तौरात हुई थी उसकी तालीमात में कुछ इनहराम करके देहापंद लोगों ने अख्तियार कर दिया था, वो उस देहापंद को दुरुस्त करने के लिए तशरीफ लाए। और तीसरी अहम बात या मिशन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया गया है वो ये है और कायनात को खुशखबरी सुनाए, उस रहमतुल आलमीन नबी की जो आपके पास तशरीफ लाने वाले हैं। जाहिर है जब कोई आदमी किसी आदमी को आपके खुशखबरी सुनाता है तो उसका तकाजा होता है कि इंसान खुशी का इजहार करता है, जैसे हम आज सब उस खुशी का इजहार करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। फिर कुछ ना कुछ मिठाई तकसीम की जाती है, जो स्वाद आजम का ये अर्सा है दराज, वो सारे के सारे यक जाके मौलिम और मकसूद कायनात हबीब अलैहिस्सलात वस्सलाम की जान से कुदर पाक ने तापाद कर, तो ये वो मिशन लेके तशरीफ ले आए थे। इंशाअल्लाह ताला जो जो हजरात तशरीफ लाते जाएंगे हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी देर में इंशाल्लाह मुफक्कर इस्लाम भी तशरीफ लाने वाले हैं। अब मैं इल्तिमास करता हूं जनाब अल्लाह गुल मोहम्मद साहब कादरी महमूदी से कि वो आज के दिन की मुनासबत से तशरीफ ले आए और नशर और नजर में जो कुछ आप फरमाना चाहें आप बयान करें। जो हजरात खबरनामे खिलाफत बाकायदगी से पढ़ते हैं आपने जरूर बजरूर मुतद्दद मकामात का आपके कलामों ज्ञान से इस्तेफादा किया होगा, आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैंने उनसे खसूसी तौर पर इस्तेफादा किया है कि वो आज दिन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब गुल मोहम्मद साहब कादरी महमूदी।